आज मैं स्टील गेट आया हुआ हूँ और इधर का मैं कुछ नज़ारा दिखाने वाला है जो कि BCCL का भारत कोकिंग कॉल लिमिटेड का हेड ऑफिस है कोयला भवन। यहाँ देखने का बहुत ही सुंदर नज़ारा, धनबाद का सबसे सुंदर नज़ारा देखने को इधर मिलता है। हमारे साथ है जितलाल जो कि मेरा दोस्त है, ये भी साथ में है। चलिए वहाँ का कुछ बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, अंदर का तो हमें अलाउ नहीं करेगा बिना पास का कुछ भी सिस्टम है वहाँ का। तो चलिए देखते हैं नज़ारा कैसा है बाहर का उधर का। गेट के सामने ये देखिए मेन गेट है, यहाँ से भारत कोका कोला लिमिटेड का आगे का नज़ारा देखिए कैसा है। चारों तरफ एकदम पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहा है, इधर चारों तरफ पेड़ ही पेड़। इस सामने हो गया सियासप का कैंप है, आगे देखते हैं क्या क्या नज़ारा मिल रहा है। चलिए देखते हैं आगे का नज़ारा देखते हैं। देख रहा है CSF का यहाँ ट्रेनिंग हुआ होता है, ट्रेनिंग उसके बाद यहाँ परेड वेड होता है, यहाँ जितना सारा भी फंक्शन है। एक वहाँ कॉम्प्लेक्स है नेहरू कॉम्प्लेक्स, सामने में बोर्ड लगा हुआ है यहाँ का एक जो कि है सामने देखिए ये बोर्ड है। आगे से जाके हम लोग को लेफ्ट मुड़ना है, कोयला नगर शॉपिंग का सामाजिक भवन आगे है। चलिए इधर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इधर हो गया हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आगे ये चौक हमारा आ जाता है नेताजी का चौक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये चौक है देख सकते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ट्रेनिंग बहुत है। वाकई में देखने में बहुत ही अच्छा नज़ारा है। देखिए इधर फूल वूल लगा हुआ है, गार्डन वार्डन टाइप का, देखने में बहुत ही मस्त ये सीन। आगे भी हमें एक चौक मिलेगा, अगला चौक तो हमें मालूम नहीं कौन सा चौक है, अगर पता कर लेंगे उधर कौन सा चौक है। ये भारत कोकिंग कॉल लिमिटेड, आगे में ये चौक है आपका कोयला भवन, आपका इधर कोयला भवन आगे चल जाता है बोर्ड लगा हुआ है। BEd क्लब है आपका लेफ्ट में, कोयला नगर अस्पताल आगे है इसका अस्पताल, ये देखिए सेक्टर 9। और ये भीमराव अंबेडकर का स्टेचू बना हुआ है यहाँ पर, बढ़ाओ भीमराव अंबेडकर का देख सकते हैं, भीमराव अंबेडकर का। सामने में DAV स्कूल नज़र आ रहा है, यही DAV स्कूल कोयला नगर का, ये भी पब्लिक स्कूल। आगे की ओर हम लोग चलते हैं, चलो बस यहाँ ढेर सारी लगी हुई है DAV स्कूल का। बहुत सारे बस है वहाँ पर, सामने बच्चा लोग भी जा रहा है DAV का। ये देखिए ये रहा कोयला भवन, सामने आ चुके हैं, ये हमारा कोयला भवन का मेन गेट भारत कोकिंग कॉल लिमिटेड, देखने में एक नंबर शानदार लग रहा है। देखिए भारत कोकिंग कॉल लिमिटेड से यह सब जवान वहाँ तैनात है, भारत कोकिंग लिमिटेड है ये शहीद का है, हम तो नहीं नज़र आ रहा है इधर से हमको, स्मारक है BCCL अमर शहीद का देख सकते हैं। इधर एक सामने में मंदिर भी है श्री महावीर मंदिर, और ये सामने देखिए आपको दिखाते हैं हल्का धीरे करना,
ये सीएसएफ का कोयला भवन का मेन गेट, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, देख सकते हैं अच्छा नज़ारा है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। आगे और भी देखने को मिलेगा नज़ारा इस तरह का, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है यहाँ का। बहुत सारे बच्चे इधर फोटो लेने के लिए ही आते हैं, फ़ोटो शूट करने के लिए। और सामने में देखिए यहाँ पर है भीमराव अंबेडकर का स्टेचू बना हुआ है, ये देखिए सामने वाला नज़ारा, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, देख सकते हैं। ये चौक है, उसी का ऑपोजिट साइड में आपका डीएवी पब्लिक स्कूल कोयला नगर का है, जो बहुत ही शानदार है। बहुत ही चारों तरफ आपका फुल ही फुल नज़र आएगा इधर से। लोकेशन भी मस्त है वीडियो वीडियो शूट करने के लिए, बहुत सारे लड़के इधर आते हैं टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए। देख सकते हैं नज़ारा कैसा है। आगे में हमें मिलेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टेचू, जो वाकई में भी बहुत अच्छा है नेताजी के लिए। ये देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टेचू यही है, देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टेचू सामने आपको नज़र आ रहा है। ये एक गोलंबर है, और सामने देख सकते हैं फील्ड नज़र आ रहा है वहाँ, और सीएसएफ का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। और इस तरह से आगे इधर आपका लेफ्ट में धुन पब्लिक स्कूल आ जाएगा आगे में, और आगे जाके हम लोग का ही आगे कुसुम विहार पड़ जाता है, जहाँ पर मैं रहता हूँ, जॉब करता हूँ। आगे देख सकते हैं आगे सामने कुछ इस तरह का है, इसमें से भी आगे भी कोयला भवन जा सकते हैं, और डीएवी पब्लिक स्कूल इधर से देखिए कुसुम विहार का गेट है ये, यहीं के सामने आपको एटीएम नज़र आ जाएगा एसबीआई का, बैंक ऑफ इंडिया का, और आपका यहाँ धुन पब्लिक स्कूल यहीं पर है सामने में, देख सकते हैं ये है धुन पब्लिक स्कूल आपका।